सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर की जो अब आप GSTR 1 फाइल करेंगे उसके अंदर आपको कौन से इनवॉइसेस अपलोड करने हैं और कौन से इनवॉइसेस जो हैं वो आपको अपलोड नहीं करना है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों के अंदर आ चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं कि GSTR 1 में कौन से इनवॉइसेस जाएंगे और कौन से इनवॉइसेस नहीं जाएंगे। आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है आपके लिए जीएसटी पोर्टल। अब जीएसटी पोर्टल जब आप ओपन करेंगे तो आपको पहले ये चेक करना होगा कि आप QRMP में हैं या नॉन QRMP में हैं। अगर आप QRMP स्कीम के अंदर हैं तो आपने जनवरी और फरवरी महीने के लिए IFF में B2B इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड कर दिए होंगे up to 50 lakhs। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मार्च क्वार्टर की GSTR 1 फाइल करेंगे तो उसके अंदर आपको कौन कौन सा फिगर भरना है। अभी मैं आपको लेकर के चलता हूं जीएसटी पोर्टल के जो हमारा रिटर्न डैशबोर्ड है उसके अंदर। यहां पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 और पीरियड रहेगा हमारा मार्च का। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं GSTR 1 आ रहा है क्वार्टरली। अब इसमें जो हमारा जनवरी और फरवरी महीने का था उसके अंदर आपको GSTR 1 जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि IFF फैसिलिटी जो हमारी ऑप्शनल फैसिलिटी थी वो। अब आप देखिए ध्यान से समझिएगा चीजों को कि किस तरीके से आपको काम करना है। लेट सपोज जनवरी 21 के अंदर आपने टोटल सेल करी थी 60 लाख रुपीस की, जिसमें से 50 लाख रुपए का B2B इनवॉइसेस था। आपने क्या करा, जनवरी महीने की IFF के अंदर 50 लाख तक के जो B2B इनवॉइसेस थे वो अपलोड कर दिए और बैलेंस जो 10 लाख रुपए का था वो दो सिचुएशन हो सकता है, या तो ये B2C होगा या फिर ये B2B ही रहा होगा। लेकिन IFF के अंदर B2B में मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपए की। तो अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आपने जनवरी में IFF के अंदर इनवॉइसेस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद जो अपलोडेड इनवॉइसेस हैं उसको क्वार्टरली GSTR 1 में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। जो इनवॉइसेस हमारे सिचुएशन में 10 लाख का जो इनवॉइस है वो हमने अपलोड नहीं किया था, चाहे जिस मर्जी वजह से हो, 10 लाख आपका B2C था और B2C तो IFF में जाता ही नहीं है, तो वो इनवॉइसेस आपको जनवरी से मार्च के अंदर फिर से इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी दे रखी है, अपनी GST की न्यू रिटर्न फाइलिंग कोर्सेज के अंदर भी दिया हुआ है। अगर आपको मैगजीन परचेज करना है या आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं और आप अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करा सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो रूल 59 का सब रूल 3 आया था वो किस चीज की बात करता है, यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड यूजिंग द IFF फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर शैल नॉट बी फर्निश्ड इन GSTR 1। काफी लोग कह रहे हैं कि हम लोग जब अपलोड कर रहे हैं तो वहां एरर दिखा रहा है ये कहते हुए कि ऑलरेडी GSTR 1 में जो है इनवॉइसेस अपलोडेड हैं, जबकि जो इनवॉइसेस IFF में चले गए वो इनवॉइसेस को आ जाना चाहिए था मार्च क्वार्टर की GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेशन के साथ, लेकिन वो नहीं आ रहे, फिर भी GSTR 1 में इनवॉइसेस जो है अपलोड नहीं होता है। वो इसीलिए क्योंकि IFF के थ्रू ही वो डेटा जो है पोर्टल में सेव हो गया, सामने वाले के GSTR 2A और 2B में रिफ्लेक्ट हो गया है फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, जो इनवॉइसेस आपने IFF के अंदर नहीं डाले हैं सिर्फ और सिर्फ वही इनवॉइसेस पूरे पीरियड जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने का मिला करके आपको डालना है।
जो इनवॉइसेस आपने डाल रखे हैं वो आपको नहीं डालना है। इसके अंदर आप देखेंगे तो काफी सारे टेबल्स हैं जो कि आईएफएफ के अंदर नहीं थे। तो इस तरीके से अब आपको अपना जीएसटीआर 1 जो है वो तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 1 में डेटा जो है वो किस तरीके से जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।